तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो आज हम आपको ले चल रहे हैं बागेश्वर, जहां हम आपको आज कराएंगे बाबा बागनाथ के दर्शन। तो आइए आप सभी को लेकर चलते हैं। सबसे बागेश्वर जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक तो खैर आपका है गरुड़ से कौसानी वाला और दूसरा रास्ता है गिरछी वाला। जबकि जो कौसानी और वाला है उसमें बड़े वाहन भी चलते हैं, लेकिन जो गिरछिना मार्ग है इसमें भी छोटे वाहन ही चल रहे हैं, बड़े वाहन अभी। इस समय हम हैं गिरछिना पे और बागेश्वर के लिए हम निकले हुए हैं आज। और अभी हम हैं गिरछिना पर और आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ से दूर चोटियों पे हिमालय दिख रहा है आप सभी को। आप देख सकते हैं एक नज़ारा, और दूर चोटियाँ भी आप देख सकते हैं, कितना प्यारा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। एक सुहाना नज़ारा आपको दिखा रहे हैं आज। और यहाँ से आप वो नीचे अगर आपको रोड दिख रही होगी तो मैं जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए वो नीचे उसी रोड पर हमको अभी जाना है ऊपर से, तो आपको आगे की ओर को मिलते हैं, तब तक आप बने रहिए। बागनाथ नगरी बागेश्वर में हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुल, और इसके बाद आपको सीधे बागनाथ मंदिर में मिलेंगे। तो तब तक आप बने रहिए, तो बागेश्वर मार्केट दिखाने का प्रयास करते हैं थोड़ा। इस समय हम हैं बागेश्वर में, जहाँ पर आपको बताऊँ उत्तरायणी का कौतिक लगता है, उत्तरायणी का मेला लगता है। ये पूरा ग्राउंड है जहाँ उत्तरायणी का मेला लगता है, और इस साइड को भी उत्तरायणी का मेला लगता है ऊपर ग्राउंड की ओर को भी। और यहीं पर बाबा बागनाथ की मूर्ति भी है, भोले शिव शंकर की मूर्ति भी है, और आगे मंदिर प्रांगण भी हम आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये पूरा ग्राउंड है जहाँ पर उत्तरायणी का मेला लगता है, उत्तरायणी का कौतिक लगता है। आप देख सकते हैं यहीं पर रामलीला भी होती है, रामलीला ग्राउंड भी है, और जनवरी के महीने में माघ महीने में यहाँ पर एक मेला लगता है उत्तरायणी कौतिक। आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। और यहाँ पर देख रहे हैं आप दो नदियों का संगम, और वहीं पर किनारे पर बाबा बागनाथ का मंदिर भी है।
ये पूरा बागनाथ मंदिर प्रांगण है, आइए इसको आपको इसके अंदर ले चलते हैं। ये है गोमती और सरयू नदी का संगम बागेश्वर में, आप देख सकते हैं ये और शानदार दृश्य यहाँ से। और यहीं पर हम हैं बाबा बागनाथ के मंदिर पर। ये पूरा मंदिर प्रांगण काल भैरव मंदिर यहाँ पर, और ऊपर जो मंदिर आपको दिख रहा है बागेश्वर बागनाथ मंदिर। आज हमने आपको बाबा बागनाथ के दर्शन कराए बागेश्वर में, और बाबा बागनाथ आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, आपको मिलेंगे अगले ब्लॉक में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देव मित्राखंड।